हेलो नमस्कार, मैं आपका सत्या स्वागत करता हूं मेरे चैनल रिच टेक क्रिएशंस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो हॉट टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो बेसिक चीजें, जो एथिक्स है, जिसको हम लोग पीडीएस बोलते हैं, प्राइमरी डेली एक्शंस क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बंदा का पास में, एसोसिएट का पास में क्या क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी, जैसे हम नौकरी करते हैं या खेती करते हैं या बिजनेस करते हैं या स्टडी करते हैं या खाना पकाते हैं, जो काम हम करते हैं ना, तो प्रोफेशनल बनना पड़ता है। बाकी जगह पे जैसे प्रोफेशनल हम लोग होते हैं, समय पे हम लोग जाते हैं, समय पे हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, 100% एफर्ट्स हम लोग करते हैं कोई भी जगह पे काम करें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, तो जैसे वहां पे 100% हम एफर्ट लगाते हैं, 100% प्रोफेशनल बनते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सेफ शॉप में प्रोफेशनल क्यों नहीं बनोगे? 90% लोग असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। तो प्रोफेशनल काम करें तो क्या करें? सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि एथिक्स, जिसको कहते हैं हम लोग, एथिक्स क्या है हमारा, तो बिजनेस एथिक्स की, यानी एथिक्स वो होता है कि 100% करना पड़ता है। एसओपी जैसे होता है, एक आपको इंस्ट्रूमेंट आपने खरीदारी किया या इक्विपमेंट आपने खरीदारी किया, उसको एसओपी लिखा रहता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सेम इस बिजनेस को भी चलाने के लिए आपको एसओपी होना चाहिए, यानी वो काम करें जहां पे आप सफलता की तरफ आगे बढ़े, जो मंजिल की तरफ चले। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हम लोग, जो टारगेट लगा के, पैदल भी सही जगह पे, सही रास्ते पे जाओगे तो आप पहुंच जाओगे। बट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जिस जगह पे जाना है वहां छोड़ के बाकी जगह घूमते हैं, तो ये असंभव है बिजनेस में सफलता पाना। तो इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कोई भी बिजनेस में या सेफ शॉप में सफल होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ एथिक्स को 100% फॉलो करना पड़ता है। वो जो पीडीएस हम लोग कहते हैं, प्राइमरी डेली एक्शंस है। ये हमारा आज का दिन में इम्पोर्टेंट स्लाइड है, आज हमारा वीडियो का बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। सबसे पहले प्राइमरी डेली एक्शंस क्या होते हैं? रोज वो काम करो आपका मंजिल की तरफ बढ़ाए। सबसे पहले हम 8 स्टेप की ट्रेनिंग की बात करते हैं। इस बिजनेस के अंदर सफलता पाने के लिए केवल 8 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। जो बेसिक चीज वही है हमारा, आप 8 स्टेप को फॉलो करके 8 लाख भी कमा सकते हैं, 8 करोड़ भी कमा सकते हैं, 80 करोड़ भी कमा सकते हैं, 800 करोड़ भी कमा सकते हैं। कि ये बेसिक स्टेप्स क्या है, देखो हमको मालूम पड़ गया कि क्या काम करना चाहिए। अब तक हम लोग अपने जीवन में जो पढ़ाई करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, वहां पे सफलता का कोई गारंटी नहीं होता है। बट सेफ शॉप में आपको मालूम है कि ये काम करने से आपको सफलता मिलेगी, तो करेंगे क्यों नहीं, है ना? तो हम लोग करना है, सबसे पहले हमको ड्रीम मेकिंग करना है। कि आप अपने चेक करिएगा आपके पास में, डायरी में, ये कागज में आपके पास ड्रीम मेकिंग किया हुआ है? क्योंकि आप बोलते हैं कि सर मेरे दिमाग में है या मेरे मोबाइल में है। दिमाग में रखने से नहीं रुकता, क्योंकि दिमाग में तो हर दिन 60 हजार थॉट्स आते चले जाते हैं। तो आपको कागज में होना चाहिए, और कागज में होने के साथ में वो आपको अपना जितना भी जानकारी लोग है, जो आप जानते हो, जो आपको लोग जानते हैं, उनसे डिस्कस कर लो। यानी ड्रीम मेकिंग आपका कागज में, लिखित में होना चाहिए। जब आपका कागज में, लिखित में होना है तो होना है। अगर अभी तक आपके पास में नहीं है, चाहे आप 1 साल पहले सेफ शॉप को ज्वाइन क्यों नहीं किया, चाहे आप कल क्यों नहीं किया, कभी भी आपने ज्वाइन किया सेफ शॉप, अगर आप एसोसिएट हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एसोसिएट है, आपके पास में डेयरी में, ब्यूटीफुल डेयरी में या नोटबुक में आपके पास में ड्रीम मेकिंग होना चाहिए। यानी आपको क्या क्या जीवन में चाहिए, छोटी से छोटी चीज से लेके, यानी डोर कर्टन से लेके, पेन से लेके, सारे चीज आपको लिखित में होना चाहिए। देर किस बात का, अगर आपके पास नहीं है, इस वीडियो को बाद में या वीडियो को पॉज करके, रोक के आप ड्रीम लिखना स्टार्ट करिएगा। बोलते हैं ना, कल करे सो आज करे सो अब, तो ये काम आपको करना ही करना है। ड्रीम के बारे में पूरा हमारा वीडियो देख लीजिएगा, क्या क्या टाइप का ड्रीम होते हैं, कैसे ड्रीम को सेट करना, आपको सब कुछ लिखा हुआ बताया हुआ है। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं, जो रोज करने वाली बात है, वो है लिस्ट मेकिंग है। क्योंकि इस बिजनेस का मेन उद्देश्य क्या है कि लोगों को एनरोल करना है। लोगों को एनरोल करने के लिए सेफ शॉप में तो पैसे नहीं लगते हैं। केवल जीवन में एक बार शॉपिंग के साथ में हम लोग एनरोल करते हैं, तो इंडिया में 140 करोड़ में से कौन सा बंदा शॉपिंग नहीं करते? सब लोग शॉपिंग करते हैं,
बट शॉपिंग करने से पहले हम लोगों को लिस्ट मेकिंग करना चाहिए। आपके पास में कम से कम की अगर मैं बात करूं तो 150 का लिस्ट आपके पास में होना चाहिए। अगर अभी तक आपने किसी कारणवश आपने नहीं बनाया है तो आपको लिस्ट अभी बनाइए, अभी बैठ के बना दीजिएगा, जितना लोग हो सकते उतना बना दीजिएगा। तीन प्रकार के लिस्ट है, वो लिस्ट के बारे में तो मैंने डिस्कस किया, फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको। हॉट लिस्ट है जो हमारा ब्लड रिलेशन का लोग हैं, खून का रिश्ता लोग हैं, वो लिमिटेड लोग होते हैं। और वार्म लिस्ट है फ्रेंड्स एंड कलीग, जिनको आप जानते हैं, आपको जो लोग जानते हैं। दूसरा लिस्ट हो गई, ये भी लिमिटेड लोग हैं। तीसरे लिस्ट अननोन लोग हैं, अनजान लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, ये अनलिमिटेड लिस्ट है। तो 150 की लिस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर अभी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऐड करते रहिएगा। जो आपका 3 फीट के दायरे में आते हैं वो सब लोगों का लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। ये दूसरी लिस्ट हमारा, दूसरे स्टेप हमारा डेली का है। तीसरी जो है, जिसको आपने लिस्ट में शामिल किया उनके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो उन लोगों को इनवाइट करिएगा, तो जूम मीटिंग में यूट्यूब प्लान दिखाइएगा या वेबिनार प्लान दिखाइएगा, 1-to-1 प्लान दिखाइएगा, ग्रुप प्लान दिखाइएगा, सेमिनार प्लान दिखाइएगा, क्योंकि उनको इनवाइट करना है। जो प्लान होती है उसको इनवाइट करना है। जो लिस्ट हमने बनाया है पूजा मंदिर में रखने के लिए नहीं बनाया है, आप उनको प्लान के लिए इनवाइट करिएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल बता दूं, आपने देखा होगा कॉल सेंटर, कॉल सेंटर में लड़कियां और लड़के लोग जो है ना सर्विस कर नौकरी करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो कम से कम 8-9 घंटा वहां पर सर्विस करते हैं, 50 से 100 कॉल तो कम से कम करते हैं और एक जैसे बात करते हैं, क्योंकि उनको सिखाते हैं मुस्कुराते बात करना चाहिए। कस्टमर कैसे भी बात करे, गुस्सा से बात करे, गालियां दे, कैसे भी बात करे, मुस्कुराते बात करते, पूरा केवल 8-10 हजार 15 हजार रुपए कमाने के लिए कम से कम 100 कॉल्स अटेंड करते हैं, बात करते हैं, और टाइम लिमिट नहीं है। बट सेफ शॉप में आपको 13 लाख रुपए वीकली, 13 लाख पर वीक, 52 लाख पर मंथ कमाने के लिए हम कितना कॉल्स करते हैं, कम से कम नए लोगों को 10 कॉल करिए, क्योंकि वी आर गिवर्स, हम देने वाले हैं, तो देने वाला का हाथ हमेशा ऊपर होता है। तो आप किसी को मौका देंगे, मैं भी तो ऐसे आया हूँ ना इस बिजनेस के अंदर, मेरा महागुरु जर्विन सर के लिस्ट में था तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। सेम आपको भी वही काम करना, जो मिनिमम बेसिक काम है 10 फोन तो डेली करना है। क्या आप कर रहे हैं, एक बार चेक करिए, नहीं कर रहे हैं तो अभी से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। आपका अगर ड्रीम परफेक्ट है, लिस्ट है, तो इन्वाइट भी करेंगे। चौथे स्टेप जो है वो प्लान शो है। देखिए अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के अंदर लोग ज्वाइन कर से करते हैं वो प्लान शो के वजह से करते हैं। जो प्रेजेंटेशन हम लोग देना चाहिए इस बिजनेस के बारे में, पूरी जो जानकारी है कि बिजनेस के अंदर एंट्री कैसे, कंपनी क्या है, प्रोफाइल कंपनी का, जो प्रोडक्ट्स क्या है, उसके बाद एंट्री कैसे करनी है, सब कुछ आपको बताएंगे आपका प्लान में। प्लान में इन्वाइट करने के लिए अलग अलग तरीका है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपके पास आज बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि एवरी डे जूम मीटिंग्स होते हैं, मेरा टीम में 8-9 प्लान्स होते हैं डेली, है ना। तो डेली जो है 5 प्लान तक लगभग आपको दिखानी है डेली मीटिंग में। तो लोगों को बुलाइए बुलाइए, जिनका पास टाइम नहीं है उस टाइम में मीटिंग आने के लिए। तो यूट्यूब में प्लान है मेरा रिचटेक क्रिएशंस में ही, बाप ऑफ ऑल प्लान्स करके लिखेंगे तो मेरा 3-4 वीडियोस आ जाएंगे, जो लेटेस्ट वीडियो उसको शो करके उनको ज्वाइनिंग करा सकते हैं। आज कितना आसान हो गया, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिस्टमेटिकली काम करोगे तो आपका आसानी से बिजनेस हो जाएगा। और जिस बंदे को प्लान आपने 5 प्लान डेली दिखा दिया, तो 2 साल के अंदर आपका जीवन बदलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका ये जीवन बदलेगा कैसे, तो आपको हर दिन किसी भी हालत पर 5 प्लान शो करिएगा। जो बंदा को आपने प्लान देखा उसके साथ में क्या कार्रवाई करना चाहिए, उनको फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू करना चाहिए। क्योंकि आजकल 10 रुपये का एक सामान लेने के लिए या 50 रुपये का एक रुमाल लेने के लिए भी लोग 10 शॉप पे ढूंढते हैं और ऑनलाइन में चेक करते हैं कहाँ पे सस्ता कहाँ पे क्या है, और अपना मन पसंद के लेते हैं। तो आपका साथ में जो बंदा 100 BVs लेंगे, 10 हजार रुपये लगभग खर्च करेंगे, तो आपसे क्वेश्चन तो करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेंड है, ये जो बिजनेस है सेफ शॉप है, उनके लिए नया है। हर जगह पर उनको जो प्रॉब्लम से शुरू होती है, सब लोग उनको मना करने की कोशिश करते हैं, वो डिस्कस करने की बात करते हैं, इसलिए उनके साथ में आपको कम्प्लीटली क्लियरली बात करनी है, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्यूशन क्या क्या है, उनको जवाब क्या देनी है आपको, तो सारे आपको रेडीमेड है। आप उसको करना 24 घंटे के अंदर उनको फॉलोअप करना है, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है ना उस टाइम आपको फॉलोअप करना चाहिए। अगर आप लोहा ठंडा होने के बाद कितना भी आप कोशिश करेंगे ना, वो कुछ था कुछ होने वाला नहीं है। इसी वजह से 24 घंटे के अंदर प्रॉपर वे में, जैसे सिस्टम बताते हैं, जैसे हमारा जीने की आजादी किताब में लिखी हुई है, जो सप्लाइन बताते हैं हमारा, उस प्रकार से फॉलोअप करिए। उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, हम लोग अलग से सेशन में बहुत सारे बताए, फिर भी बताता हूँ। अगर 2% सेल्स, अगर पहली बार आपको 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं तुरंत, ना बीवी से पूछेंगे ना
हस्बैंड से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे नहीं, माँ बाप से नहीं पूछेंगे, दोस्तों से नहीं पूछेंगे, तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। उसके बाद में कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं, बार बार फॉलोअप करना पड़ता। दूसरी बार आप फॉलोअप करोगे तो उन लोगों को 3% सेल निकलेगा, तीसरी बार फॉलोअप करोगे तो 5% सेल निकलेगा, चौथी बार कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको लगभग 10% सेल निकलेगा। अगर 5 से लेके 12 बार फॉलोअप करोगे तो 80% सेल निकलेगा। तो 90% लोगों का जो नेटवर्कर्स का जो दम घुट जाता है यहाँ पे 4 फॉलोअप करते करते। बट आप यकीन करिए, आप प्लान दिखाइए, कभी भी आपके साथ आके ज्वाइन कर सकते हैं, लगातार फॉलोअप करते रहिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में जो बंदा ज्वाइन कर लिया आपका साथ में, सारे कार्रवाई होने के बाद में सबसे पहले बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी उनके पास होना चाहिए। 90% लोग फेल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, एक ही कारण से फेल होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज। कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है, प्रोफाइल के बारे में जानकारी नहीं है, पैकेजेस के बारे में जानकारी नहीं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेफ शॉप का जो पेमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं, पे आउट के बारे में। तो जो बंदा पूरी जानकारी रखेगा क्यों भागेगा, क्यों छोड़ेगा? जिस पर्पज से बंदा ज्वाइन करता है इस बिजनेस के अंदर, एसोसिएट बनता है, तो केवल पैसा कमाने के लिए। तो हम लोगों को उनको FIM करेंगे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग जो करेंगे हम लोग, तो ये इम्पोर्टेंट एंड एमरजेंसी समझिएगा। अगर इस कंपनी के बारे में बताएंगे, आप अक्सर लोगों को देखिए बोलते सर मैंने भी कोई कंपनी ज्वाइन किया था, कौन सा कंपनी कुछ पता नहीं, सिस्टम का नाम कुछ पता नहीं, अपलाइन का उन्हें पता नहीं कोई था सर, है ना, पैकेज क्या था सर, एक मैंने वो कपड़ा लिया, मतलब उनको पूरी जानकारी नहीं है, इसी वजह से छोड़ के चले गया। बट उनको मालूम होना चाहिए 3 से 4 साल 5 साल बिजनेस के अंदर काम करने से तो लाइफ बदल जाएगी। FIM में क्या क्या बातें करना चाहिए, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में, पे आउट के बारे में, ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन के बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए। 2-4 मिनट का कोई टेस्टिमोनियल वीडियो आप दिखा सकते हैं। और उसके बाद में ग्रुप मीटिंग आप कंडक्ट करें वीकली एक बार, जो आपका 2 से 3 टीम बन जाता है कम से कम, तो अपने टीम के साथ में आप ग्रुप मीटिंग करिए, क्योंकि आपकी टीम आपके लिए बच्चों से भी बढ़कर है, वो आपको ड्रीम्स को पूरा करेंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी लाइफ है, वो लोग आपका सब कुछ है वो लोग। इसी वजह से यहाँ पे टीम फ्री में बनता है। तो ग्रुप मीटिंग वीकली करके उनका क्या क्या दिक्कत है समझिए, क्या क्या टारगेट से समझिए, कितना ताकत से काम करना चाहते हैं समझिए, पूरी जानकारी दीजिएगा, पूरी जानकारी नॉलेज दीजिएगा, टूल्स प्रोवाइड करिएगा, ये सब आपको ग्रुप मीटिंग में करना होता है। ग्रुप मीटिंग की वजह से जो टीम आपके साथ टिकता है, आपके साथ मेहनत करता है, उसके बाद में जो टीम में आपके साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, प्लानर्स और ट्रेनर बनानी है, क्योंकि ऐसे कोई डायमंड नहीं है सेफ शॉप में जो प्लानर नहीं बना हो, ट्रेनर नहीं बना हो। तो आपको अपना टीम में प्लानर्स और ट्रेनर में भी फोकस करिएगा। उसके बाद में जो ऑफलाइन मीटिंग्स की बात करें, जो आपका 8 स्टेप ट्रेनिंग होते हैं, वेन्यूज में प्लान्स होते हैं उसमें जाना है, और आउटस्टेशन ट्रेनिंग में होता है उसमें आपको जाना है, जिसे आपको टीम डेवलपमेंट करने के लिए अलग से प्रोग्राम्स हैं, आपका मेंटल स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए अलग से प्रोग्राम, जैसे दिशा बोलते हैं हम लोग, अभी होने वाले सितंबर में हम लोग उसमें जाएंगे, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऑफलाइन में जाते हो तो जो फंक्शंस है ना, आपका जो मेंटल लेवल को आगे लेके जाता है, जो हजारों के दिमाग से लाखों में, लाखों के दिमाग करोड़ में लेके जाता है। अगर हम आज का दिन इस बिजनेस के अंदर आज मेहनत कर रहे हैं, केवल एक ही वजह से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, फंक्शंस की वजह से। इस वजह से माय डियर फ्रेंड्स, इस पे फोकस करें। अगर आप मेरा पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जरूर अपनी टीम में शेयर करिएगा डेवलपमेंट के लिए। जय हिंद, नमस्कार।